हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं जॉब आज तक। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे सुपरवाइजर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सुपरवाइजर का काम क्या होता है और सुपरवाइजर की सैलरी क्या होती है और सुपरवाइजर का वर्क आवर क्या होता है और सुपरवाइजर की एलिजिबिलिटी क्या होती है। जो लोग सुपरवाइजर बनना चाहते हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिन जिन लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नीचे बेल आइकन पर क्लिक कर ले, ताकि उनसे कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सुपरवाइजर का मीनिंग क्या होता है? सुपरवाइजर को कभी कभी मॉनिटर भी कहा जाता है, बॉस भी कहा जाता है, ओवरसीज भी कहा जाता है और कोऑर्डिनेटर भी कहा जाता है, कभी कभी टीम लीडर भी कहा जाता है। सुपरवाइजर का मेनली काम जो होता है मेन पावर हैंडलिंग। जी हाँ दोस्तों, सुपरवाइजर का मेनली काम होता है मेन पावर हैंडलिंग। सपोज कोई प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, सपोज एक बाइक का टायर ही बन रहा है, तो टायर बनने में लगभग 50 से 60 मजदूर लगे हुए हैं, ठीक है। कोई रबड़ रेडी कर रहा है, रॉ मटेरियल रेडी कर रहा है, ठीक है। तो कोई कटिंग कर रहा है, ग्राइंडिंग कर रहा है, ठीक है। तो उन मजदूरों को देखना कि वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, कोई मजदूर फांकी तो नहीं मार रहा, उन लोगों का ड्यूटी टाइम क्या है। वो अगर सपोज कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, टायर जो बन रहा है, अगर महीने का 60 टायर का ऑर्डर है आपको पूरा करना है और 40 से 45 टायर ही हो पाया कंप्लीट, तो कैसे करके उसको मैनेज करके मजदूर को उसका प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। सपोज 45 टायर ही बन पाया, 15 टायर हम लोग का बच गया, तो हम लोग कैसे उसको इंक्रीज करेंगे? 60 टायर तो देना है पर मंथ। उस समय मजदूरों को ओवर टाइम रोक कर या मैन पावर और लेके, ठीक है, उसको प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज करना है, वो सब सुपरवाइजर का काम होता है सोचना। जो लोग ट्रेंड नहीं है, जो बंदे जो वर्कर बहुत सारे वर्कर होते हैं जो ट्रेंड नहीं होते, तो जिन्हें काम नहीं आता, तो उन लोगों को ट्रेनिंग देना कि कैसे काम करना है, उन लोगों को काम को समझाना, उन लोगों को बताना कि आप ऐसे काम करें ताकि काम जल्दी फास्ट हो, ठीक है। और आपको रिपोर्ट भी प्रोवाइड करना है, जितना भी रिपोर्ट है आपका पर डे, कितना काम हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, आपका पर डे इतना टायर बन रहा, प्लानिंग करना, ये सब सुपरवाइजर का काम होता है। वो इंस्ट्रक्शन देते हैं वर्कर को, ऐसे काम करो और ऐसे हमारा काम तेजी से निकलेगा। अब हम बात करेंगे सुपरवाइजर की सैलरी क्या होती है। सुपरवाइजर की जो सैलरी होती है वो 12,000 से 15,000 के बीच होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी कंपनी छोटी है तो उसकी सैलरी 12 से 15,000 के बीच में रहेगी। अगर कंपनी बड़ी है तो सैलरी 15 से 20,000 के बीच में हो सकती है और एक्सपीरियंस के साथ साथ सुपरवाइजर का सैलरी बढ़ता जाता है। एलिजिबिलिटी क्या होती है सुपरवाइजर की? अगर कोई कैंडिडेट 12th पास है, बीकॉम, बीएससी, बीटेक है, तो वो सुपरवाइजर बन सकता है। आजकल बड़ी बड़ी कंपनी बीटेक को भी सुपरवाइजर बनाती है, बट इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th है और ग्रेजुएशन है, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएट है तो आप सुपरवाइजर बन सकते हैं, डिपेंड करता है कंपनी पर। अगर कंपनी एमएनसी है या लिमिटेड कंपनी है तब आप ग्रेजुएशन रहेंगे, तभी आपको सुपरवाइजर बनने का मौका मिलेगा। वर्किंग आवर जो है सुपरवाइजर का 8 आवर होता है। अगर उससे ज्यादा आप काम करते हैं तो आपको ओवर टाइम दिया जाएगा, ठीक है। ये था सुपरवाइजर का कुछ काम, सैलरी और एलिजिबिलिटी। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो दोस्तों, कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा और नीचे सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को, बेल आइकन पर क्लिक कर दे, ताकि आपसे कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। थैंक यू मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।